Hi Dream Girl, Hi Dream Girl on your left, Kiara ji, hi. कियारा जी, यू नो हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अब आपको ड्रीम गर्ल बुलाया जाता है, जिस तरह से आप काम कर रही हैं. सो हेमा जी के बाद अब आपको ड्रीम गर्ल बुलाया जाता है, तो क्या फील करती हैं आप? कितना ब्लेस्ड मोमेंट होता है आपके लिए? डेफिनेटली ब्लेस्ड फील करती हूँ, क्योंकि आई हैव ग्रोन अप लविंग हेमा जी. शी इज द एपिटमी ऑफ ग्रेस. बट आई थिंक ये मेरे फैंस ने शुरू किया है. A lot of love to them for giving me so much love. I feel very humbled and blessed. I don't know how to react to it, but for me, I mean, Hema ji is the ultimate dream girl. But ye comparison, thank you. It's very overwhelming. I love you too. Kartik ji, Donald Trump ji ka tweet aapko ulta seedha lagta hai? Hamare Prime Minister ji ka tweet kaisa lagta hai aapko? Hal filhal mein agar aapne कार्तिक की मम्मी बैठी है, वो कह रही है नहीं बेटा ये 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 इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना है. नहीं, आंटी जी को मैं बता दूं, बहुत ही स्मार्ट हैं, वो अच्छा आंसर देंगे जो उनको भी पसंद आएगा. नहीं, बिल्कुल उल्टे नहीं लगते. जिनके लग रहे थे वो बोल दिया उस पर डायलॉग में. वो एक्चुअली चुड़ैलों के फीड पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया था वहाँ. तुमने गलत जगह कॉन्सेंट्रेट किया. कियारा जी, थैंक यू. ड्रीम में यू नो बहुत सारे लोग आते हैं, कभी कभी हम किसी को भुलाना भी चाहते हैं, भूल भुलैया से. कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप भुलाना चाहेंगी अपने लाइफ से, अपने ड्रीम से? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एवरी सिंगल पर्सन हु आई हैव मेट इन माय लाइफ इज एडेड टू माय लाइफ, सो डेफिनेटली नॉट. किसी को भुलाना नहीं चाहूंगी. हेलो हेलो, हाय. उसका माइक छीन लिया. आते आते हेलो बाकियों को भी. हेलो, हाय कार्तिक.